तो रवा लड्डू बनाने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए रवा एक बाउल, और जितना हमने रवा लिया है उतना ही हमें चीनी चाहिए एक बाउल। अगर हमने 250 ग्राम रवा लिया है तो 250 ग्राम हमें चीनी चाहिए। रवा आप कोई भी ले लीजिए, बारीक या मोटा। यहाँ पे हमने डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, और यहाँ पे मैंने लिया है दूध। हमने 1 बाउल रवा लिया है और चीनी लिया है, तो 1/4 हमें दूध चाहिए। यहाँ मैंने मलाई लिया है 4 चम्मच, फ्रेश मलाई चाहिए, और 4 चम्मच हमने देसी घी लिया है। और यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, 10 से 12 काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता। इन्हें हमें सबको फ्राई कर कट कर लेना है। तो चलिए बनाते हैं रवा लड्डू। तो सबसे पहले हम पैन ले लेंगे, गैस का फ्लेम चालू कर देंगे। उसमें हम डाल देंगे 4 टेबल स्पून देसी घी, इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। तो जैसे ही देसी घी गर्म हो जाए उसमें हम डाल देंगे काजू, इसे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे काजू अच्छे से रोस्ट हो गया है, इसे मैं निकाल देती हूँ। अब मैं डालती हूँ बादाम, इसे भी अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। देखिए बादाम अच्छे से रोस्ट हो रहा है धीरे धीरे। साथ ही में मैं डाल देती हूँ पिस्ता भी और किशमिश भी। किशमिश बहुत जल्दी हो जाती है, इसे जल्दी से रोस्ट कर आपको इसे निकालना है। तो यहाँ पे बादाम, किशमिश और पिस्ता सब हो गया है, इसे मैं निकाल देती हूँ। किशमिश फ्राई करते वक्त ध्यान रखना है क्योंकि वो फटती है जोर से, इसे ध्यान रखना है। तो देखिए ये सब रोस्ट हो गया है, अभी इसे मैं कट कर दूंगी, चॉप कर दूंगी छोटे छोटे किशमिश को छोड़कर। तो जिसमें हमने ड्राई फ्रूट्स घी में फ्राई किए, तो उसमें हम सूजी भी डाल देंगे, रवा डाल देंगे। अगर और घी लगेगा तो हम बाद में ऊपर से डालेंगे। इसे अच्छे से हमें रोस्ट करना है, कच्चा ना रह जाए। इतना भी रोस्ट नहीं करना है कि जैसे हम लोग हलवा बनाते एकदम गोल्डन करते, उतना नहीं करना है। ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं भी डालिए, तो भी रवा लड्डू अच्छे से बन जाता है। थोड़ा फास्ट थोड़ा स्लो कर आप गैस का फ्लेम इसे सेक लीजिए। ध्यान रखिए कि ये जले नहीं। तो देखिए बहुत ही अच्छे से ये रोस्ट हो गया है, देखिए पूरा एक एक दाना रोस्ट हो गया है। अभी हम इसमें 4 टेबल स्पून हमने डेसिकेटेड कोकोनट लिया था पाउडर, वो डाल देंगे। ऐसे अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि रवा गर्म है तो ये अच्छे से इसमें रोस्ट हो जाएगा। अगर आप फ्रेश नारियल लेते हो तो उसे जब रवा डालते हैं सेकने के लिए उसी वक्त वो फ्रेश नारियल भी डालकर आप रोस्ट कर लीजिए, ताकि उसका जो वाटर रहता है नारियल में वो उसमें सब निकल जाएगा। जैसे नारियल हमने इसमें डाला बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई है। अब इसी में हम अभी डाल देंगे चीनी, जितना हमने लिया था पूरा चीनी हम इसमें डाल देंगे, और अच्छे से इसे मिक्स कर मेल्ट होने देंगे चीनी को। और ये सब स्लो फ्लेम में करना है। बहुत से लोग चाशनी में बनाते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत अच्छा ये ना लड्डू बनता है, लेकिन चाशनी में क्या होता है कि अगर चाशनी ज़्यादा पक जाती है तो लड्डू हार्ड बनते कड़क बनते हैं। तो ये नया तरीका है जो मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ही आसान और इजी वे से आप झटपट इसे बना सकते हैं। इसमें आप तगार भी डाल सकते हैं, यानी कि
भूरा शक्कर से भी बना सकते हैं, पीसी हुई चीनी से भी बना सकते हैं। लेकिन जब आप भूरा डालेंगे या पीसी हुई चीनी डालेंगे तो जब ये गैस का फ्लेम बंद कर कर रवा थोड़ा ठंडा गर्म रहे जब डालकर उसे मिक्स कीजिए। तो यहाँ पे चीनी थोड़ी थोड़ी घुल गई है, मेल्ट हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे मलाई। ये मलाई इसलिए हम डाल रहे हैं क्योंकि जो खोया और जो टेस्ट आता है वो इसी से आएगा। तो हमने 2.5 चम्मच इतना मेरे इसमें मलाई थी तो वो मैंने इसमें डाल दिया है और इसे अच्छे से मैं मिक्स करूँगी। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो कोई बात नहीं, आप दूध भी डाल सकते हैं, लेकिन दूध को थोड़ा गाढ़ा कर कर डालिए। अगर आप गाढ़ा कर कर डालेंगे तो दूध इसमें पड़ेगा तो जब ये लड्डू आप खाओगे तो ऐसा लगेगा कि इसमें खोया मिलाया हुआ है। और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और इसी वक्त मैं इसमें सिर्फ 2 टेबलस्पून दूध डाल रही हूँ और अच्छे से इसे मैं मिक्स करते हुए जाऊंगी। ये अभी और ड्राई है तो इसमें मैं और पहले 2 चम्मच दूध डाला था, अभी और मैं 4 चम्मच दूध डालती हूँ। टोटल मैंने 6 चम्मच दूध डाला है। अब इसे मैं मिक्स करूँगी। देखिए ये इतने अच्छे से हो गए। इसमें और थोड़ा दूध की ज़रूरत है। जैसा जैसा ये गर्म होते गया वैसा वैसा ये थोड़ा लिक्विड फॉर्म में हो गया। 2 चम्मच और मैंने डाल दिया, इसे अच्छे से मैं मिला दूंगी। अभी शक्कर जो है पूरी अच्छे से घुल गई है, जो ड्राई फ्रूट्स थे वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। सब अच्छे से मिक्स कर दूंगी। ये सब हमको स्लो फ्लेम पे ही करना है। अगर आपको ड्राई लग रहा है तो और दूध डाल देना 2-2 चम्मच करके, ज्यादा एक साथ में नहीं डालना है। देखिए ये इतना हो गया तो इसे मैं अभी गैस का फ्लेम बंद कर कर थोड़ा ठंडा होने के लिए रख रही हूँ। ये इतना गिल्ला है लेकिन ठंडा होने के बाद ये जो रवा है पूरा दूध को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जब ये थोड़ा ड्राई हो जाए तो अब मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और अब इसे ठंडा होने दे रही हूँ। अगर आपको इलायची पाउडर डालना है तो इसी वक्त आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हो। तो देखिए बहुत अच्छे से ये ठंडा भी हो गया है और थोड़ा अलग अलग भी हो गया है। अब इसे मैं लड्डू बनाकर आपको दिखा देती हूँ। देखिए इसमें घी और डालने की ज़रूरत नहीं है, बराबर से बन जाएगा। आपको इस तरीके से देखना है, देखिए अच्छे से बन जाएगा, इसमें और कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप छोटे या बड़े जैसा भी चाहिए आप वैसा बना लीजिए। इस तरीके से आपको लेना है और लड्डू जैसा बनाकर रख देना है। ये देखिए आप चाहिए तो इसमें ऊपर से भी किशमिश लगा सकते हो। अभी इसी तरीके से मैं सब लड्डू बना देती हूँ। तो देखिए सब मैंने बना दिया है लड्डू। इसी तरीके से आप बना सकते हो। इससे ऊपर से अगर कोकोनट को कोट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। बहुत ही आसानी से ये रेसिपी बन जाती है, ना कोई झंझट है ना कोई, बहुत ही जल्दी जल्दी ये रेसिपी बन गई है।
आप छोटा बना सकते हो, बड़ा बना सकते हो, जैसा चाहिए आप उस तरीके से ये लड्डू का शेप दे सकते हो। चाहिए तो आप इसे बर्फी में भी बना सकते हो। तो 250 ग्राम में मैंने इतना लड्डू बना दिया है, पूरे बहुत ही आसानी से आप इसे बनाकर खा सकते हो। अगर आप ये खाएंगे तो मार्केट का रवा लड्डू आप भूल जाओगे, तो ये इतनी मुंह में खाते साथ ऐसा घुल जाएगा ये लड्डू कि आप बार बार इसे बनाकर खाते रहोगे। तो ये हो गई मेरी रवा लड्डू की रेसिपी तैयार। इसे मैं एक खोल के दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट और कितना अच्छा बना है। देखिए, ना हार्ड है ना कुछ, कितने आसानी से ये मतलब टूट सकते हैं मुंह में। आप जैसे ही खाओगे बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट और बहुत ही स्मूथ है।